लास्ट लेक्चर में रिस्प्रेटिव सिस्टम का कंपेटिव अकाउंट वर्टिब्रेट्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं कल के लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड और मैमल में एम्फीबिया अकेला ग्रुप है जिसमें तीन रिस्परेटिव स्ट्रक्चर हैं क्यूटेनियस रिस्प्रेशन भी होता है बक्को फर्नीजर रिस्प्रेशन भी होता है और पल्मोनरी रिस्प्रेशन भी होता है लेकिन बाकी के तीनों ग्रुप हैं रेप्टाइल बर्ड और मैमल उसमें केवल पल्मनरी रिस्प्रेशन पाया जाता है यानी कि लंग के अलावा और कोई भी रिस्पेटरी स्ट्रक्चर नहीं है दूसरा पॉइंट ये हमने डिस्कस किया था कि रिस्पेरेटरी सिस्टम में रिस्पेटरी आर्गन में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या क्या हैं तो हमने कल के लेक्चर में आपको पॉइंट आउट किया था कि नजल पैसेज फेरिंग्स लेरिंग्स ट्रैकिया ब्रांकस और लंग ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं पूरे रिस्परेटरी आर्गनस के उसी को सबसे पहले हम लोग मैमेल में डिस्कस कर रहे थे कि मैमिलियन रिस्परेटरी सिस्टम में कौन कौन से आर्गन हैं और उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर एसोसिएटेड हैं और वो कैसे बाकी ग्रुप से अलग हैं एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड से तो आइए देखते हैं एक बार फिर से इस डायग्राम को जो लास्ट लेक्चर में बन चुका था रिपीट कर रहे हैं कि रिस्परेटरी आर्गन में फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स होगी लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया होगी ट्रैकिया आगे जाकर के दो प्राइमरी ब्रांकस में डिवाइड होती है दोनों प्राइमरी ब्रांकस अलग अलग लंग में एंटर करते हैं यहाँ पे ख़ास बात ये है कि मैमिलियन लंग लोब में डिवाइड होता है जैसे ये ह्यूमन का लंग है तो इसमें तीन लोब हैं सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर लेफ्ट लंग में दो लोब हैं यही लोब अगर हम रेबिट में देखें तो राइट लंग में चार लोब हो जाते हैं राइट एंटीरियर राइट पोस्टीरियर राइट एजाइगस एंटीरियर एजाइगस पोस्टीरियर एजाइगस चार लोब हो जाएंगे और लेफ्ट में दो ही लोब रहते हैं रेबिट में भी दैट इज़ लेफ़्ट एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर तो कहने का मतलब लोब का वेरिएशन हो सकता है लेकिन मैमल के लंग लोब में डिवाइड होते हैं ये डिफरेंस हमें दिखेगा बाकी ग्रुप में तो हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंसेज हैं एम्फीबिया रेप्टाइल और बर्ड्स में जरिए सबसे पहले हम फेयरिंग्स के ठीक नीचे जो स्ट्रक्चर है लेरिंग्स उसकी चर्चा करते हैं लेरिंग्स जिसे साउंड बाक्स कहा जाता है ज़रा मैमल में इस साउंड बाक्स का स्ट्रक्चर देखिए प्योर काट स्ट्रक्चर है इस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर में सबसे मेन कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ी प्लेट के रूप में थायराइड कार्टिलेज होती है उसके नीचे एक कार्टिलेज है ये भी सिंगल है थायराइड भी सिंगल है और इसके साथ जुड़ी हुई इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई ई ग्लाटिस जो लीफ लाइक होती है जो ग्लाटिस को बंद करती है ग्लाटिस वो अपर्चर है जो ट्रैकिया में खुलता है यानी कि लैरिंग्स के पास ये ग्लाटिस अपर्चर होगा जिसके जरिए एयर ट्रैकिया में पहुँचेगी तो ग्लाटिस को ज़रूरत पड़ने पर बंद करने का काम ई ग्लाटिस करती है थायराइड और अरेटिनॉयड कार्टिलेज अरेटिनोइड कार्टिलेज कार्टिलेज पेयर्ड होती है लेकिन थायराइड सिंगल होती है तो ये अरेटीनॉयड और थायराइड के बीच में ओकल कार्ड्स होते हैं मैमल में दो पेयर ओकल कार्ड होते हैं अपर पेयर डायग्राम पे फोकस करिए कि अपर पेयर फॉल्स ओकल कार्ड और लोअर पेयर ट्रू वोकल कार्ड ये जो एलो कलर से मैंने एरो बना रखा है ये ग्लाटीसा अपर्चर है इसी ग्लाटीसा अपर्चर के जरिए एयर अंदर जाएगी और ये जो वोकल कार्ड है ट्रू वोकल कार्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जब एयर बाहर की तरफ मूव करती है तो इसमें वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है वोकल कार्ड की पोजीशन अगर आप देखो तो मेल और फीमेल में प्यूबर्टी के बाद तेरह चौदह साल के बाद आप जानते हो कि आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है तो हार्मोनल इफेक्ट के कारण जो मेल का वोकल कार्ड होता है वो थिक हो जाता है लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है मींस भारीपन होता है जबकि फीमेल में जैसे ही फीमेल हार्मोन का सिक्रेशन शुरू होता है सेक्स हार्मोन का ये वोकल कार्ड थिन हो जाता है जिससे हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होती है साउंड थोड़ा सा सुरीला या पतला होता है तो ये वोकल कार्ड के कारण आ रहे हैं वोकल कार्ड में चेंज होता है तो लेरिंग्स की स्ट्रक्चर को अगर हम सबसे कंपेयर करेंगे अभी चार्ट आपके सामने आएगा जिस चार्ट में हमने पॉइंट दिए हैं तो थारॉयड कार्टिलेज इज कार्टिलेज विच इज फाउंड ओनली इन द मैमल्स थायराइड कार्टिलेज मैमल के अलावा और किसी भी ग्रुप में नहीं होगी लैरिंग्स तो सभी में होगा साउंड बाग्स सभी में होगा एम्फीबिया में रेप्टाइल में बर्ड्स में मैमल में लेकिन दो चीजें हैं एक तो बर्ड्स का जो लैरिंगस है वो साउंड बाग का काम नहीं करता उसकी जगह पे सिरिंग्स दूसरा स्ट्रक्चर है अभी हम अगले डायग्राम में आपको दिखा देंगे वो साउंड बाग्स का काम करेगा लेकिन एम्फीबिया रेप्टल एमल में लयरिंग्स ही साउंड बाग्स होता है और वोकल कार्ड के वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस थायराइड कार्टिलेज का होगा जब लयरिंग्स कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे केवल थायराइड कार्टिलेज ऐसी कार्टिलेज है जो एम्फीबिया में रेप्टाइल में नहीं है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स और हम लोगों में यहाँ पे देखते हो ना गले के पास एक छोटा सा उभार दिखता है ये उभार एक्चुअल में एडम्स एप्पल कहलाता है और ये थायराइड कार्टिलेज से ही बनता है तो थायराइड कार्टिलेज मेमिलियन कैरेक्टर है रेप्टाइल्स में सी सेब हाईलाइन कार्टिलेज की बनी हुई रिंग होती है और ये ट्रेकिल रिंग पीछे से इनकम्प्लीट होती है पीछे से मतलब डार्सली इनकम्प्लीट होती है ट्रैकिया कोलेप्स को होने से बचाने के लिए ये रिंग पाई जाती है और यही रिंग रेप्टाइल के ट्रैकिया में भी होती है लेकिन एम्फीबिया के ट्रैकिया में क्या पोजिशन बनेगी एम्फीबिया में गर्दन नहीं होती इसलिए ट्रैकिया जो है लैरिंग्स के साथ फ्यूज हो जाती है और को ट्रैकियल चैम्बर बनाती है आगे यही ट्रैकिया डिवाइड होगी और सीधे सीधे ब्रांकस के रूप में लंग में एंटर करती है लंग में एंटर करने के बाद जरा अंदर का स्ट्रक्चर देखो कि लंग में जैसे ये प्राइमरी ब्रांकस है प्राइमरी ब्रांकस जब लंग में जाता है तो लंग के अंदर जाने के बाद ये सेकेंडरी ब्रांकस में डिवाइड होगा सेकेंडरी टर्सियरी में डिवाइड होगा टर्सियरी फिर टर्मिनल ब्रांक्यूल में डिवाइड होगा और यहाँ तक हर जगह रिंग मिलेगी रिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि एयर पैसेज के बाद ये पैसेज कोलैप्स ना होने पाए इसलिए टर्मिनल ब्रांक्यूल तक हमें रिंग मिलती है इसको कोलेप्स होने से बचाने में ट्रमिनल ब्रांक्यूल आगे जाके रिस्परेटरी ब्रांक्यूल में कन्वर्ट होता है रिस्परेटरी ब्रांक्यूल आगे जा कर के एयर सैक में टर्मिनेट होता है और एयर सैक बना होता है बहुत सारे अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना के रूप में जिसमें एक एक यूनिट कहलाती है अलवियोलाई और यही अलवियोलाई एक्चुअल में मिनी लंग है जो भी लंग का फंक्शन है जिसके हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पेपर में फिजियोलॉजी में उस पूरे फंक्शन को परफॉर्म करती है अलवियोलाई दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मिनी लंग जितना ज़्यादा अलवियोलाई होगी लंग उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा इसका मतलब है कि मैमिलियन ग्रुप में और पर्टिकुलरली ह्यूमन में अलवियोलाई की संख्या सबसे ज़्यादा होगी दोनों लंग मिला के तीन सौ मिलियन अलवियोलाई होते हैं जो हंड्रेड मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया अंदर ही अंदर तैयार करते हैं और इसके चारों तरफ इस अलवियोलाई और एयर सैक के चारों तरफ ब्लड वेसल्स का ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है आप सब जानते हो कि लंग में पल्मोनरी आर्टरी डी ब्लड लेके आती है और अलवियोलाई के पास ये बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है इसी कैपिलरीज और अलव्योलाई के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है फिर ये ब्लड कैपिलरीज आपस में मिलती हैं पलमोनरी वेन बनाती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के वापस जाती है तो कहने का मतलब एलियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपलरीज का लंबा चौड़ा जाल होता है जिसके जरिए अलवियोलाई और ब्लड कैपलीज के बीच में गैसों का आदान प्रदान होगा अलवियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आएगी और ब्लड कैपलीज से सी ओ टू अलवियोलाई में जाएगी ये पूरी प्रक्रिया में जैसा कि कल हमने रिस्परेटरी ऑर्गन के स्ट्रक्चर बताए थे कि इट मस्ट हैव लार्ज सरफेस एरिया तो सारी एल्वियोलाई तीन सौ मिलियन एल्वियोलाई का सरफेस एरिया हंड्रेड मीटर स्क्वायर का साथ ही साथ इट मस्ट बी वास्कुलराइज ब्लड वेसल या ब्लड कैपरीज का जाल होना चाहिए तो ये सारे करेक्टर आपको लंग में दिख रहे हैं ठीक है थीके? अब इसी स्ट्रक्चर को जरा कंपेयर करने की कोशिश करो किससे बर्ड में बर्ड की इफिशियंसी अगर हम गौर करें तो बर्ड का बॉडी टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होता है हम लोगों का 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आप जानते हो कि फ्लाइंग एनिमल है फ्लाइंग एनिमल रिक्वायर मोर एनर्जी मोर एनर्जी मीन्स मोर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मोर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मीन्स मोर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो बर्ड के लंग में क्या ऐसा खास है तो जरा बर्ड के कैरेक्टर को देखो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अलग मिलेंगी ट्रैकिया इसमें भी है ट्रैकिया के ऊपर ही सिरे पे लैरिंग्स होगी लेकिन इसकी लेरिंग्स साउंड बाग्स का काम नहीं करती है और ट्रैकिया में जो रिंग होती है वो रिंग कम्प्लीट होती है और बोन की होती है तो बोनी और कंप्लीट रिंग होती हैं ये भी अपने आप में एक डिफरेंस है जो और कहीं नहीं मिलेगा बोनी कंप्लीट रिंग ट्रैकिया में और ट्रैकिया के निचले सिरे पे इनका एक्चुअल साउंड बाक्स होता है जिसे कहा जाता है सायरिंग्स तो ये साउंड बाक्स है और फिर ट्रैकिया एज यूजल बाकी एनिमल की तरह से दो ब्रांकस में डिवाइड होगी दोनों ब्रांकस अलग, अलग अलग लंग में जाएंगे इनका लंग कम्परेटिवली कॉम्पैक्ट होता है डायफ्राम नहीं होगा ये मैमल का करेक्टर है ज़रा गौर करना कि यहाँ पे डायफ्राम निचले हिस्से में है डायफ्राम का रोल ब्रीदिंग में होता है लेकिन यहाँ डायफ्राम नहीं है इनमें ब्रीदिंग रिप्स और स्टर्नम की सहायता से होगी तो लंग कॉम्पैक्ट है लोब में डिवाइड नहीं है लेकिन इतना कॉम्पैक्ट होने के बाद भी लोब में डिवाइड नहीं होता है उसके बाद भी बर्ड की इफ़ियंसी मैमिलियन की तुलना में बहुत ज़्यादा है क्यों है Because their lungs are associated with air sac. अगर हम केवल पिजन की बात करें तो पिजन में ही नाइन एयर सैक होते हैं एक जोड़ी एयर सैक एबडामिनल रीजन में रहता है ये एबडामिनल एयर सैक कहलाएगा एक जोड़ी एयर सैक थोरेक्स के पिछले हिस्से में लंग से जुड़ा है इसे कहा जाता है पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। ये भी पेयर में हैं मतलब ये दो हैं ये भी दो हैं इसी तरह से एंटीरियर रीजन में लंग के थोरेक्स के दो एर सैक होगा इसे एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक कहेंगे एंटीरियर थोरेसिक एर सैक, ये भी दो होंगे और ट्रैकिया से जुड़े हुए लंग तक दो सर्वाइकल एयर सैक होते हैं तो ये दो सर्वाइकल एयर सैक सर्वाइकल यानी कि गर्दन का पार्ट उससे जुड़ा हुआ और एक एयर सैक सिंगल है अनपेयर्ड है जो बीचों बीच इस तरह से दिखेगा ये इंटरक्लेविकुलर क्लेविकल दोनों ये क्लेविकल हैं, क्लेविकल के सेंटर में तो ये इंटर क्लेविकुलर सैक एयर सैक जो सिंगल होता है इसकी खास बात क्या है एयर सैक यही सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो बर्ड की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में मदद करता है और इसीलिए बर्ड का टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है एनर्जी लेवल भी हाई रहता है जरा गौर करना दो मिनट में प्रोसेस बताते हैं आपको कि और साउंड है इनका ये याद रखना बोनी ट्रेकियल रिंग ये याद रखना क्योंकि ये कहीं नहीं है बाकी ग्रुप में एसोसिएटेड एयर सैक का रोल क्या है एयर सैक रिस्पिरेटरी आर्गन नहीं है एक चीज तो क्लियर कर लो क्यों क्योंकि एयर सैक वास्कुलराइज नहीं होता ये केवल एयर रिजर्वायर का काम करता है तो एयर रिजर्वायर का काम करते करती ये एक तीर से दो निशाने वाली बात है एक तरफ ये एयर सैक बायसी देता है जिससे इनको फ्लाइंग में मदद मिलती है दूसरी तरफ ये एयर सैक जब एयर रिजर्वायर के रूप में काम करता है तो ये फ्रेश एयर को स्टोर करता है देखो कैसे बर्ड में ब्रीदिंग होती है ट्रैकिया के जरिए एयर अंदर आई एयर अंदर आने के साथ ये लंग में आती है लंग में इनके भी वैसे ही एल्वलाई होंगे एलियोलाई में भरती है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा लेकिन कुछ एयर इन दोनों एयर सैक में भी आके भर जाती है इनको इंस्पायरेटरी एयर सैक कहा जाता है मीन्स जब बर्ड्स ब्रीदिंग करती हैं एयर को इनहेल करती हैं तो लंग में आने के साथ साथ फ्रेश एयर पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक और एबडामिनल एयर सैक में भी आ जाती है लंग की एयर एक्सचेंज हो गई जैसे यहां एक्सचेंज हो रहा है ब्लड कैपरीज और अलियोलाई के बीच में वैसे यहां भी एक्सचेंज होगा एक्सचेंज के बाद जब ये एयर को बाहर निकालती है तो ये जो फ्रेश एयर यहां भरी हुई है पोस्टीरियर और एबडामनल एयर सैक में ये फ्रेश एयर निकल के लंग में फिर चली जाती है और फिर इसको ऑक्सीजन मिल जाती है और जो यूज एयर है वो धीरे धीरे इन एयर सैक के जरिए बाहर निकलती है सर्वाइकल एंटीअर थोरेसिक जिसको कहा जाता है एक्सपायरेटरी एयर सैग तो कहने का मतलब कि ऐसे समझो कि जब हम एक बार ब्रीदिंग करते हैं तो जब एयर इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लंग में पहुंचती है और जब एक्जेल करते हैं तो सीओ बाहर जाती है लंग को ऑक्सीजन नहीं मिलती लेकिन इनको जरा देखो इस एयर सैक के कारण जब ये इनहेल करती हैं तो भी लंग को एयर मिली ऑक्सीजन मिली और जब ये बाहर निकालती हैं एयर को तो यहाँ भरी हुई फ्रेश एयर लंग में चली जाती है

नेक्स्ट ग्रुप रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो रेप्टाइल्स में लैरिंग्स ही साउंड बाग का काम करेगी लेकिन थायराइड कार्टिलेज नहीं होगी इपिग्लाटिस नहीं होगा अभी आपको चार्ट में हम कंपेरिजन दिखाएंगे बाकी ये चीज़ें मिलेंगी लेकिन अंतर कहाँ मिलेगा अंतर ये मिलेगा कि लेरिंग्स से ट्रैकिया भी होगा ब्रांकस भी होगा लंग लोब में डिवाइड नहीं होगा और मूली के आकार का थोड़ा सा इलांगेटेड लंग मिलता है बाकी बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा एक जैसा ही रहता है बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी वर्टिब्रेट के बेसिक स्ट्रक्चर में अंतर नहीं आएगा लंग इलांगेटेड हो जाएगा कुछ में लेफ्ट लंग बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है तो रेप्टिलियंस में डिफरेंस ट्रैकिया का नहीं आएगा लेरिंग्स में थायराइड कार्टिलेज का आएगा लंग के सेप में आएगा और नंबर ऑफ अलवियोलाई रिड्यूस होंगे जरा रेप्टाइल्स के अलावा एम्फीविया पे चलो एम्फीबिया में एक ड्रेस्टिक चेंज एम्फीविया में ड्रेस्टिक चेंज क्या मिलेगा हमने बताया था कि एम्फीविया में गर्दन नहीं होती है गर्दन नहीं होगी इसका मतलब है कि ट्रैकिया ये नहीं कहोगे कि एबसेंट है ट्रैकिया लैरिंग्स के साथ जुड़ जाता है ये दोनों मिल करके लैरिंगो ट्रैकिअल चैम्बर बना लेते हैं यानी कि यहाँ लैरिंग्स भी आ गई और ट्रैकिया भी आ गई तो अब इसको ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे लैरिंग्स अलग है और ट्रैकिया अलग है बल्कि लैरिंग्स और ट्रैकिया मिल के लयरिंगो ट्रैकियल चैम्बर बनाते हैं और इसी के अंदर यहाँ ग्लाटिस मिलेगी जहाँ से ये दो ब्रांच निकलेंगी दो ब्रांकस निकलेंगे और दोनों ब्रांकस अलग अलग, अलग लंग में जाएंगे लंग नो डाउट कंपेटिवली छोटा होगा क्योंकि एम्फीबियंस बाकी वर्टिब्रेट्स की तुलना में कम डेवलप है तो ये एक बेसिक कैरेक्टर नज़र आ रहा है अलव्युलाई की संख्या भी कम होगी अलव्युलाई होंगी लेकिन उनकी संख्या कम होगी ये ब्रांकस का जो डिवीजन है ये भी कम होगा लंग छोटा होगा कंपेटिवली तो ये एम्फीवियन स्ट्रक्चर में ये चेंज आएगा तो कहने का मतलब ये कॉन्टीन बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है जरा इन पॉइंट्स को हम कैसे लिखेंगे कंपेरिजन हमने कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी कंपेरेटिव पूछा जाए तो आप चार्ट बना के कंपेरिजन देंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे ताकि क्लियर कट जो डिफरेंस है वो आप बता सकें पहले पॉइंट पे ध्यान देना बोर्ड पे टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन कि एम्फीबिया में एक्वाटिक रिस्पिरेशन भी होता है और एरियल भी होता है एक्वाटिक रिस्पिरेशन किसके द्वारा होगा स्किन के द्वारा होगा बक्को और लंग के जरिए एरियल रिस्पिरेशन होगा लेकिन इनके लार्वा में भी एक स्ट्रक्चर होता है लास्ट लेक्चर में हमने एडिट किया था क्लासिफिकेशन में बताया था कि लार्वा में गिल्स पाए जाते हैं मछलियों की तरह से तो एक्वाटिक दे आर टेस्टियल एनिमल दीज टेस्टियल एनिमल रिस्पायर ओनली बाई द लंग सो इट है lung, so को कहा जाता है क्योंकि लंग का नाम ही है पलमोन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पार्ट ऑफ रिस्परेटरी ट्रैक ये भी हमने कल बताया था आपको कि जैसे नजल पैसेज है नजल पैसेज में ये आगे एक्सटर्नल नास्ट्रेल फिर ये एक्सटर्नल नास्ट्रेल अंदर फेरिंग्स में खुलती है इंटरनल नास्ट्रेल के जरिए फिर अगला पार्ट फेयरिंग्स आएगा फिर अगला पार्ट फेयरिंग्स के बाद क्या आएगा फेयरिंग्स के बाद आगे लेरिंग्स आएगा लरिंग्स के बाद ट्रैकिया ट्रैकिया के बाद दूसरा कार्ट में पार्ट आएगा ब्रांकस ब्रांकस के बाद लंग अब यहाँ पे ग्लाटिस और ईपी ग्लाटिस की पोजीशन दिखाई गई है कि ग्लाटिस लीडिंग इनटू टू दैकियल चैम्बर ये लैरिंगो ट्रेकियल चैंबर में, खुलता है क्यों? क्योंकि में अलग नहीं है। लेकिन में ओपन हो रहा है लेकिन ध्यान देना ईपी ग्लाटिस नहीं है इस चार्ट को जरा सा आप पढ़ने की कोशिश करिए हम दो मिनट में वापस आते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हाँ बच्चों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हम चर्चा कर रहे थे ग्लाटिस की कंपेरिजन तो ग्लाटिस लेरिंगो ट्रैकिल चैम्बर में खुल रही है एम्फीबिया में लेकिन रेप्टाइल बर्ड और मैमल में ट्रैकिया में ही खुलेगी लेकिन ई पी ग्लाटिस पर ध्यान दो ई पी ग्लाटिस एम्फीविया रेप्टाइल बर्ड तीनों में बंद है केवल मैमल में खुलती है जब हम डाइसो सिस्टम पढ़ाएंगे फेरिंग्स के स्ट्रक्चर के साथ आपको बताएंगे कि लेरिंग्स के साथ जुड़ी हुई ग्लाटिस केवल एयर पैसेज के लिए है स्वालोइंग के समय जब हम फूड स्वालो करते हैं उस समय ईपी ग्लाटिस जो है ग्लाटिस को बंद कर देती है ताकि फूड ट्रेकिया में ना जा पाए नेक्स्ट और ट्रेकिया की पोजीशन फिर से एक बार सेपरेट बताया गया है कि ओकल कार्ड मौजूद है एम्फीबिया में रेप्टाइल में लेकिन बर्ड्स में लेरिंग्स और ट्रेकिया अलग हैं क्योंकि लेरिंग्स काउंड बास का काम नहीं करता है मैमल में लैरिंग्स वोकल कार्ड के साथ जुड़ा है जो स्ट्रक्चर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिया था कि दो वोकल कार्ड है फॉल्स और ट्रू वोकल कार्ड और साथ ही साथ थायराइड कार्टिलेज केवल मैमल में दिखाया जा रहा बाकी ग्रुप में नहीं एम्फीबिया में देखिए थायराइड कार्टिलेज एब्सेंट क्यों एब्सेंट है भाई क्योंकि लैरिंग्स में केवल यह कैरेक्टर किसका है मैमल का ठीक है थायराइड कार्टिलेज रेप्टिलिया में भी एब्सेंट एप्स में भी एबसेंट केवल मैमल अकेला ग्रुप है जिसमें है सिरिंग्स अब सिरिंग्स हमने बताया था कि केवल बर्ड का करेक्टर है ये देखो बर्ड के लोअर ट्रैकिया के लोअर एंड पे सिरिंग साउंड बाग का काम करता है इसीलिए केवल बर्ड में प्रेजेंट है बाकी ग्रुप में नहीं है रिस्पिरेटरी आर्गन कौन कौन से हैं वही चीज रिपीट हुई है यहाँ पे कि लार्वा में गिल्स भी हैं बाकी में स्किन बक्को कैविटी और लंग है रेप्टाइल बर्ड और मैमल में केवल लंग रेस्पिरेटरी है आगे लंग का कैरेक्टर बताया गया है कि यहां देखना फ्राग में लंग वाइड सेफ है पतला होता है थिन वाल्ड होता है हालो सैक जैसा होता है छोटा सा ठीक है रेप्टाइल्स में देखो फ्यूजी फार्म कैरेक्टर फ्यूजी फार्म जानते हो ना रेडिस का सेफ होता है तो फ्यूजी फार्म थीन वाल होता है इलास्टिक होता है विदाउट लोब लोब न यहाँ है न लोब यहाँ है में या बर्ड्स में कॉम्पैक्ट इलास्टिक विदाउट लोब लोब नहीं है लेकिन असोसिएटेड विद एयर सैक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और रैबिट की बात करें या ह्यूमन की बात करें जिसका स्ट्रक्चर भी हमने दिखाया था कि लंग लोब में डिवाइड है नेक्स्ट एयर सैक, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बर्ड्स ओनली बर्ड्स के अलावा सारे ग्रुप में इसको एबसेंट दिखाएंगे आप

छोटा सा पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए मेढक का या एम्फीबियंस लंग को कहा जाता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हालांकि ये पार्ट फिजियोलॉजी से जुड़ा है लेकिन एक पॉइंट इसका ये आपको यहां एनाटॉमी में देना जरूरी है कंपेरिजन में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग और हम लोगों का लंग यानी कि मैमल का लंग निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग है ये फ्राग या एम्फीबिया में रैबिट या ह्यूमन में या किसी भी मैमल में ये लंग निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग कहलाता है निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग में डिफरेंस क्या है बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से इसको समझो इसको इस हिसाब से आप पॉइंट कंपरिजन पॉइंट में डालेंगे भी जरा एम्फीविया को देखो पॉजिटिव प्रेशर क्यों कहा जा रहा है ऐसे समझना कि लंग के बाहर किसी स्ट्रक्चर में एयर के प्रेशर को बढ़ा देना और बढ़ा करके लंग के अंदर एयर को फोर्स करना जैसे एक आउटलाइन डायग्राम लो एम्फीबिया का कि इसमें यहाँ पे नास्ट्रिल है यहाँ माउथ है ये दोनों मिलकर के बक्ो फरेंजियल चैम्बर बनाएंगे और ये बक्को फरेंजियल चैम्बर ग्लाटीस अपर्चर के जरिए लंग में जाके खुलेगा तो ये बक्को फरेंजियल कैविटी है अगर आप में से किसी ने मेढक को बरसात के दिनों में ब्रीदिंग करते हुए देखा हो तो आप जरा गौर करना कि इसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठा रहता और बीच बीच में ऐसा लगता है कि वो गल्पिंग कर रहा है तो वो गल्पिंग क्या है वो गल्पिंग मोमेंट ही एक्चुअल में पल्मोनरी रिस्प्रेशन है लंग के जरिए रिस्प्रेशन है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग में क्या करता है ये कि माउथ को तो बंद रखता है नास्ट्रिल से एयर को अंदर लेता है और ये एयर जब बक्को फरेंजियल कैविटी में जाती है तो इस बक्को फरेंजियल कैविटी में जब एयर का प्रेशर बढ़ जाता है एयर फिलअप हो जाती है ते नास्टिल को बंद कर लेता है और इसके पास दो मसल्स होती है स्टर्नोहायल और पेट्रोहायल मसल इनके कॉन्ट्रैक्शन की सहायता से यह बक्को फरेंजल कैविटी में एयर के प्रेशर को बढ़ाता है पॉजिटिव करता है पॉजिटिव प्रेशर लंग है यानी कि बक्को फरेंजियल कैविटी में एयर का प्रेशर बढ़ा देता है और जब एयर का प्रेशर बक्को फरेंजियल कैविटी में बढ़ेगा तो इधर से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि नास्टिल भी बंद है माउथ भी बंद है तो ये जो अपर्चर है ग्लाटिस इस के जरिए एयर लंग में फोर्स कर जाती है एंटर कर जाती है और जब ये फोर्स करता है लंग में तो वही गल्पिंग मूवमेंट दिखता है पॉजिटिव प्रेशर लंग, लंग के बाहर बक्को फरेंजियल कैविटी में एयर के प्रेशर को बढ़ा करके लंग में एयर भेजी जाएगी ये पल्मोनरी रिस्प्रेशन केवल फ्राग में मिलेगा बाकी तीनों ग्रुप में सबसे ज्यादा डेवलप निगेटिव प्रेशर तो तीनों में रहेगा रेप्टाइल में भी बर्ड्स में भी और मैमल में भी लेकिन हाईली डेवलप नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग मैमेलियन कैरेक्टर है क्यों जरा सा अपना मैकेनिज्म देखो हम लोगों की मैकेनिज्म क्या है ऐसे समझना कि हम लोगों में लंग की पोजिशन थोड़ेसिक कैविटी में होती है इधर थोड़ासी कैविटी इधर थोड़ासी कैिटी थोड़ेसिक कैविटी पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम से कवर्ड है आगे की तरफ स्टर्नम से कवर्ड है ये इधर स्टर्नम होता है ब्रेस्ट बोन आगे की तरफ नीचे डायफ्राम होता है गुम्बद के आकार का डोम सेब और लेटरल साइड में क्या होता है लेटर साइड में रिप्स होती हैं। तो ये रिप्स हैं। इसी के अंदर लंग है। ये थोड़ा सी कैविटी है चारों तरफ से बोनी कवरिंग के जरिए कवर्ड इस थोड़ा सी कैविटी के अंदर लंग है अब इसमें एयर के प्रेशर को बढ़ाना है कैसे आएगी एयर अंदर क्योंकि लंग क्या है निगेटिव प्रेशर लंग लंगेटिव प्रेशर लंग से मतलब है कि हम थोरेसिक कैविटी के वालूम को बढ़ाते हैं जब थोरेसिक कैविटी के वालूम को बढ़ाएंगे तो लंग नो डाउट एक्सपेंड होगा बढ़ेगा जब लंग का वालूम बढ़ता है तो लंग के अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर की एयर लंग के अंदर आ जाती है मीन्स हम अपने लंग के वालूम को बढ़ा करके लंग के अंदर प्रेशर को कम कर रहे हैं निगेटिव कर रहे हैं

गौर करना है यहाँ पर अगर आपको ऑब्जर्व करना है कि जब आप ब्रीदिंग करते हो तो स्टर्नम आगे की तरफ आ रहा है और ये रिप्स आपकी ऊपर की तरफ चढ़ती हैं जिससे थोड़े से कैिटी का वालूम और लंग का वालूम बढ़ता है और लंग के अंदर एयर प्रेशर कम होता है और बाहर से एयर अंदर आती है तो दैट्स वाई ममेरियन लंग इज़ कार्ड द नेगेटिव प्रेशर लंग क्योंकि हम लंग के अंदर प्रेशर को कम करके बाहर की एयर अंदर लेते हैं फ्राक क्या करता है लंग के बाहर बक्को फर्जील कैिटी में एयर प्रेशर पढ़ा करके एयर को अंदर भेजता है ये डिफरेंस है तो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग हाईली डेवलप इन द मैमल्स क्योंकि यहां पे स्टर्नम रिप्स और डायफ्राम तीनों काम करते हैं रेप्टाइल और बर्ड्स में भी नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंग है लेकिन वहां पे डायफ्राम नहीं होता है केवल रिप्स और स्टर्नम की सहायता से थोड़े कैविटी और लंग का वॉल्यूम बढ़ाया जाता है तो ये कंपेरिजन रिस्पिरेटरी सिस्टम का था अब इसके बाद हम अगले कंपरेटिव अकाउंट पे आते हैं दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है और इस कंपैरिजन करने में आप चारों का डायग्राम बनाएंगे और चारों के पॉइंट्स अलग-अलग लिखेंगे शायद सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्वेश्चन का ठीक है ओके देन नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम कंपैरिजन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपैरिजन करने में यहां फिर वही चीज आएगी कि आपको चार ग्रुप का कंपैरिजन करना है एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड और मैमल कि कहां चेंजेस हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा अब एलिमेंट्री कैनाल पूरी पूरी नहीं बदलेगी एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट बदलेंगे तो ना ऑर्डर कंपेरिजन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम यहां भी हम एक सिस्टम को पहले डिटेल में देख लें बाकी को कंपेरिजन करने में फिर आसानी हो जाएगी कि मैमल को उठाते हैं क्योंकि मैमल चूँकि सबसे ज्यादा डेवलप है तो मैक्सिमम स्ट्रक्चर चाहे रिस्परेटिव सिस्टम हो चाहे स्किन हो चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो सब में मैक्सिमम स्ट्रक्चर हमें मेमिलियन ग्रुप में मिलेगा अब बाकी ग्रुप में कहाँ कहाँ कमी है क्या कम है वो अपने आप बहुत आसानी से कंपेयर हो जाएगा तो चलिए माउथ कैविटी से स्टार्ट करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ कैविटी पहला स्ट्रक्चर मैमल को लेकर के स्टार्ट करेंगे और बाकी ग्रुप को कंपेयर कराएंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आखिर एलिमेंट्री कनाल है डाइजेस्टिव सिस्टम में आर्गन कौन कौन से हैं तो माउथ कैविटी में कुछ पॉइंट ओपन माउथ कैविटी के जरा एक स्ट्रक्चर बना के देखो ये अपर जा हो गया ऊपरी जबड़ा ये लोअर जा हो गया दोनों जबड़ों के नीचे मसूड़े होंगे गम्स इस गम से जुड़े हुए सॉरी ये अपर लिप्स और ये लोअर लिप्स इनके नीचे ये गम्स और गम्स के साथ जुड़ा हुआ जा जिस पे टीथ जुड़े होंगे टीथ दोनों तरफ जा से जुड़े हुए टीथ विथ लोअर जा लोअर जा के साथ और अपर जा के साथ टीथ विथ अपर जा दोनों जबड़ों में लेकिन यहाँ एक बहुत major आपको बता दें। Birds में लिप्स अपर एंड लोअर उसके नीचे गम्स और जा से जुड़े हुए और ऊपर का पार्ट जिसे हम कहेंगे माउथ कैबिटी या बक्लिटी का रूफ ये बनता है हार्ड पैलेट से अब ये हार्ड पैलेट किस में है किस में नहीं है यह आपको कंपरिजन के पॉइंट्स में हम यहां दे रहे हैं नीचे का एरिया सॉफ्ट पैलेट होता है ये कुछ पॉइंट मोटा मोटा हम यहाँ दिखा रहे हैं जिनको कंपेरिजन करना है और इधर टंग होगी टंग में भी आप जानते हैं बहुत अंतर है अगर हम मेढा की टंग को देखें तो एक स्पेशल कैरेक्टर मिलता है कि मेढा की टंग आगे से जुड़ी रहती है पीछे से फ्री रहती है और हम लोगों में या बाकी रेप्टिलियन में या बर्ड्स में मैमल में, में पीछे से अटैच रहती है तो माउथ कैविटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपेरिजन आपको देना है वो पैलेट का देना है और टीथ का देना है तो टीथ बहुत डिटेल में हमने क्लासिफिकेशन में ये लेक्चर समझाया था कि एम्फीबिया में टीथ का क्या है एम्फीबिया में एक्रोडांड बताया था अब यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है होमोडांड बताया था सारे दांत एक जैसे होते हैं और पालीफियोडांट बताया था बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस रेप्टाइल्स में काफ़ी कुछ सिमिलर है थोड़ा सा अंतर है एक्रोडांट की जगह प्लूरोडांडेंटिसन क्योंकि छोटी सी कैविटी में हमने दिखाया था कि पाया जाता है होमोडांट सारे दांत एक जैसे होते हैं और पालीफियो कंडीशन इनमें भी मिलती है तो काफी हद तक सेम कंडीशन मिलती है दोनों में लेकिन एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल में हम लोगों की तरह से थीडांडेंटिसन होता है तो यहाँ आप लिखेंगे एक्सेप्ट क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल है हमने आपको बताया था कंपेरिजन में क्लासिफिकेशन में कि थीकोडांट में जबड़े की बोन में लंबी चौड़ी साकेट होती है और साकेट के अंदर दांत का आधे से ज्यादा हिस्सा अटैच रहता है बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट होता है तो ये करेक्टर केवल क्रोकोडाइल में मिलेगा बाकी जगह ये प्लूरोडांट होता है प्लूरोडांट यानी कि पतली सी कैविटी में अटैच रहता है बर्ड्स में तो दांत होगा नहीं लेकिन मेरे ख्याल से सब जानते होंगे कि बर्ड्स में जो एसेंट बर्ड थी आर्क्योप्टेरिक्स उसमें दांत पाए जाते थे तो एक्सेप्ट आर्क्योप्टेरिक्स आर्क्योप्टेरिक्स में दांत होता था इसीलिए तो रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है इसको मैमल का कैरेक्टर बिल्कुल अलग हो जाता है कि मैमलियन टीथ का करेक्टर है थीकोडांट बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट और हेट्रोडांट सारे दांत एक जैसे नहीं है चार तरह के हैं इंसीजर कैनाइन प्री मोलर मोलर चारों के अलग अलग फंक्शन है इंसीजर कटिंग के लिए कैनाइन टियरिंग के लिए प्री मोलर और मोलर ये दोनों ग्राइंडिंग के लिए और डाइफ्यूडांट दो बार निकलते हैं एक बार बच्चों के टीथ एक बार परमानेंट टीथ यह क्वेश्चन छोटा सा पूरे ग्रुप में फिसेज में भी टीथ होते हैं एम्फीबिया में भी होते हैं रेप्टाइल में भी होते हैं मैमल में भी हैं

लेकिन साथ ही साथ सेकेंडरी फंक्शन भी आ जाता है जिसके जरिए वो सोडियम क्लोराइड यूरिया जैसे कुछ मटेरियल्स को भी बाहर निकालती है इसी तरह से टीथ के लिए भी प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन आप बता सकते हो कि टीथ का प्राइमरी फंक्शन क्या है अब आप कहोगे मेस्टिकेशन चबाना ग्राइंडिंग अगर ये प्राइमरी फंक्शन है तो मछलियों के दांत या मछलियों को आपने देखा कभी कि फूड को कैप्चर करके शिकार को कैप्चर करके चबाती हैं छिपकली को देखा है कभी चबाते हुए मेढक को देखा है कभी चबाते हुए नहीं ये क्या करते हैं निगलते हैं स्वालो करते हैं तो स्वालो करते हैं तो फिर टीथ क्यों टीथ होल्ड करने के लिए है शिकार को बाहर जाने से रोकने के लिए है तो होल्डिंग प्रे इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीथ तो जब केवल होल्ड करने के लिए है तो अलग अलग तरह के टीथ में मॉडिफिकेशन होने की जरूरत क्या है इसीलिए सारे दांत एक जैसे होते हैं होमोडांडेंटन फिसेज में भी मिलेगा एम्फीबिया में भी मिलेगा रेप्टाइल्स में भी मिलेगा मैमल अकेला ग्रुप है जिसने अपने टीथ का उपयोग होल्डिंग के साथ साथ ग्राइंडिंग मेस्टिकेशन और कटिंग में भी किया दैट्स वाई द टीथ आर मॉडिफाइड इन टू डिफरेंट टाइप्स एज एंसीजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर सो सम समटिंग कटिंग सम एक्स एज ए ग्राइंडिंग तो मैमल अपने टीथ का उपयोग में प्राइमरी फंक्शन भी करता है और सेकेंडरी भी मतलब वो होल्डिंग में भी मदद करती है और साथ ही साथ ग्राइंडिंग और कटिंग में भी मदद करती है इसीलिए मैमेलियन अकेला ग्रुप है जहाँ पे हेट्रोडांड डेंटिशन मिलेगा और इसके पीछे क्वेश्चन यही है याद रखना कि चूँकि अपने टीथ का उपयोग कटिंग टीयरिंग और ग्राइंडिंग में करता है इसीलिए हेट्रोडांड कंडीशन मिलती है लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है मेरे ख्याल से सब जानते हैं कि वेल एक्वाटिक एनिमल है और ये एक्वाटिक मैमल है इसमें मैमल होते हुए भी हेट्रोडांट के बजाय रेप्टाइल्स और एम्फीबिया की तरह से होमोडांटेशन मिलता है मतलब सारे दांत एक जैसे रीजन फिर वही है कि चूंकि वेल भी फूड कैप्चर करने के बाद उसको मेस्टिकेट नहीं करती है स्वालो करती है इसीलिए वहाँ भी टीथ केवल होल्डिंग के लिए है ग्राइंडिंग या कटिंग के लिए नहीं है इसीलिए मैमल ग्रुप में होते हुए भी एक्सेप्शन है जहां पे हेट्रोडांड के बजाय होमोडांड होगा और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर केवल मैमल में है ओके इसके आगे का पार्ट एक मिनट बाद गौरव करते हैं बच्चों बच्चों ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से एक बार और हम डेंटिशन की बात कर रहे हैं तो डेंटिशन कंप्लीट हुआ ये एक मेजर डिफरेंस आपको कंपेयर करना है एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड और मैमल में लेकिन याद रखना कि एम्फीबिया में मेढक में निचले जबड़े में दांत नहीं होते हैं केवल ऊपरे जबड़े में पाए जाते हैं बाकी कैरेक्टर्स तो आपके सामने हैं अब बक्कल कैविटी के बाद दूसरे स्ट्रक्चर की चर्चा करें बक्कल कैविटी के बाद दूसरा मेजर स्ट्रक्चर है फेयरिंग्स एम्फीविया में तो फेरिंग्स और बक्कल कैविटी एक साथ हैं, लेकिन जरा मेमेलियन फेरिंग्स को देखो एक ह्यूमन फेरिंग्स को देख लो उसमें दो तीन पॉइंट है ऊपर से, से चौड़ी नीचे पतली फेरिंग्स में ये नजल पैसेज भी जाके खुलता है इंटरनल ना के जरिए तो ये ऊपर का पार्ट फेयरिंग्स का कहलाता है नेजो फेरिंग्स क्योंकि यहाँ पे नजल पैसेज खुलेगा ये नास्टिल की ओपनिंग है नजल पैसेज की ओपनिंग है ओपनिंग ऑफ नजल पैसेज नजल पैसेज जहां खुलेगा वो ऊपर का हिस्सा होगा फेरिंग्स का कॉमन भाषा में हम बात करें तो फेरिंग्स का मतलब होता है थ्रोट गला तो गले में ऊपरी पार्ट होता है नेजो फेरिंग्स जहां पे हमारा नजल पैसेज खुलता है और एयर के लिए है इधर से एयर एंटर करेगी और इसके नीचे अभी नजर पैसेज के बाद ये क्या आ गया माउथ कैविटी आ गई तो ये हाइपोथेटिकल यहाँ बना लो माउथ कैविटी तो ये माउथ कैविटी है ये माउथ कैविटी फेयरिंग्स के बीच के हिस्से में खुलती है तो ये बीच का हिस्सा कहलाएगा ओरो फेरिंग्स ओरो फेरिंग्स यहाँ से फूड एंटर करेगा यानी कि फेरिंग्स कामन हो गई किसके लिए फूड के लिए और एयर के लिए दोनों यहीं से गुजरेंगे फेयरिंग्स का निचला हिस्सा लैरिंग्स तक फैला होता वही लैरिंग्स जो हमने डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बताया था तो ये लैरिंग्स है लैरिंग्स तक ये फैला होता है फेयरिंग्स का हिस्सा तो इसे कहते हैं लैरिंगो फेयरिंग्स यानी कि फेयरिंग्स में तीन पार्ट हो गए नेजो फेयरिंग्स अपर पार्ट जिसमें नजल पैसेज खुल रहा है ओरो फेयरिंग्स मिडिल पार्ट जिसमें माउथ कैविटी खुलती है और पोस्टीरियर पार्ट लैरिंगो फेरिंग्स जो लैरिंग्स तक फैला हुआ है दोनों के लिए कॉमन पैसेज एयर और फूड के लिए अब सवाल उठता है कि हम सब जानते हैं कि फूड के लिए पूरा सिस्टम अलग और एयर के लिए पूरा सिस्टम अलग एक डाइजेस्टिव सिस्टम है एक रिस्पिरेटरी सिस्टम है इसका मतलब है कि यहां से दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे तो लैरिंग्स के पास दो अपर्चर होंगे एक होगा ग्लाटिस वही ग्लाटिस जिसको हम लोगों ने अभी रिस्पिरेटरी सिस्टम में कवर किया दूसरा अपर्चर होगा गलेट हाइपोथेटिकल डायग्राम है किताब का डायग्राम नहीं है जो आपको विजुलाइज करा दे इस हिसाब से डायग्राम बनाया है तो ग्लाटिस और गलेट दो अपरचर है ग्लाटिस को जरूरत पड़ने पर कवर करने के लिए यहाँ पे ईपी ग्लाटिस होगी जो हमने अभी आपको लेरिंग्स के स्ट्रक्चर में दिखाया था तो ये ईपी ग्लाटिस यहां रहती है जो सॉलोइंग के समय इसे बंद करती है ग्लाटिस खुलेगी ट्रैकिया में ये ट्रैकिया ये ट्रैकिया आगे जाकर कर के आपको मालूम है ब्रांकस और उसके जरिए लंग में एंटर करेगी गलट खुलेगा ईसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में ईसोफेगस जिससे फूड की एंट्री होगी यानी कि फूड पाइप है ये आगे जाएगा फिर पूरी एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक इंटेस्टाइन में खुलेगा और ट्रैकिया आगे जाके लंग में पहुँचेगी ब्रांकस के जरिए तो ये आप देखो फेरिंग्स किस तरह से लिंक है फेयरिंग्स जो थ्रोट है इसके तीन हिस्से अपर पार्ट नेजो फेरिंग्स बीच का पार्ट ओरो पोस्टीरियर पार्ट लैरिंगो लो लैरिंग्स के पास दो अपर्चर ग्लाटिस और गलेट ग्लाटिस ट्रैकिया या विंड पाइप में खुलेगा जिससे एयर जाएगी लंग में और गलेट फूड पाइप ईसोफेगस में खुलेगा जिससे फूड आगे बढ़ेगा एलिमेंट्री कैनाल में लेकिन खास बात याद रखना दो में से एक ही अपर्चर एट ए टाइम खुलते हैं ग्लाटिस हमेशा खुली रहती है केवल फूड सॉलो करते समय बंद होगी कौन बंद करेगा ईपी ग्लाटिस और गलेट हमेशा बंद रहता है केवल फूड के इसके, इसके जुड़े हुए तो रखना कि की, होती है। नहीं की, आगे की तरफ और गलेट की पोजीशन ठीक ग्लाटिस के पोस्टीरियर या डार्सल होगी तो ये फेरिंग्स का स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है यहां पे एक और पॉइंट करना क्या फेरिंग्स में और कोई अपर्चर या कोई चीज आके खुलती है क्या जरा गौर करो तो फेयरिंग्स में नजल पैसेज खुल रहा है माउथ कैविटी खुल रही है और फेरिंग्स नीचे ग्लाटिस और गलेट के जरिए डाइजेस्टिव सिस्टम और स्प्रेटिव सिस्टम में खुल रही है नहीं याद आया होगा गौर करो कभी कान में तेल डालते हो कान में दवा डालते हो तो गले तक पहुंच जाती है इसका मतलब है कि हमारे मिडिल ईयर की कैविटी कैविटी कहलाती है। उसको जोड़ने के लिए जो जो ट्यूब या उसी को कहते हैं फेरिंगो टिम्पैनिक डक्ट क्योंकि मिडिल ईयर कैविटी का नाम टिम्पैनिक कैविटी और फेरिंग्स इनको जोड़ने वाला स्ट्रक्चर फेरिंगो टिम्पेनिक डक्ट याचियन ट्यूब ये भी खुलता है कहाँ पे दोनों ईयर की दो यूस्टैचियन ट्यूब है तो ये दोनों की ओपनिंग भी ने जो फेरिंग्स में होती है ओपनिंग ऑफ यू स्ट्रेचियन ट्यूब जिसके जरिए हमारी मिडिल ईयर कैविटी फेयरिंग से जुड़ी होती है और इसके बारे में चर्चा करेंगे अगर अगले कंपेटेटिव कांड में जब ईयर आएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ओपनिंग है ये इसलिए होती है कि ईयर में एयर प्रेशर को बैलेंस किया जा सके और जो कान का पर्दा है है उसको डैमेज होने से बचाने के लिए एक्स्ट्रा एयर का प्रेशर ईयर का प्रेशर पूरा थ्रोट में ट्यूब के जरिए पहुंचाया जाता है तो ये इस तरह से फेरिंग्स का स्ट्रक्चर अब फेरिंग्स के बाद ये स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं कि ट्रे आगे ब्रांकस ब्रांकस आगे लंग अब हमें यहां कवर करना है ईसोफेगस ईसोफेगस आगे किस तरह से दूसरे पार्ट में जाएगा एलिमेंट्री कैनाल का डिटेल स्ट्रक्चर मैमेलियन ग्रुप का दे रहे हैं क्योंकि मैमल का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा तो बाकी ग्रुप में कहां-कहां कहां कमी है क्या एबसेंट है वो आप आसानी से कंपेयर कर लेंगे तो चलिए अब यहां इसोफेगस आ गया अब इसी इसोफेगस को आगे बढ़ाते हैं इसोफेगस आगे स्टमक इस में खुलेगा स्टमक में बहुत वेरिएशन है मैमल में जैसे हम अपने स्टमक की बात करें या रेबिट के स्टमक की बात करें तो तीन पार्ट ये इसोफेगस हो गया इसोफेगस के पास यहाँ पे है जिसे कार्डियक इंस्पेक्टर या कार्डियोइसोफेजियल इंस्पेक्टर कहते हैं कार्डियोइसोफेजियल इंस्पेक्टर क्य क्योंकि दोनों के टिश्यू से बनता है फूड को कंट्रोल फूड पैसेज को कंट्रोल करने के लिए तो ये कार्डियक पार्ट हुआ हमारे स्टमक का ये पार्ट फंडिक पार्ट है पूरा रैबिट में तो ये फंडिक ही रहेगा लेकिन हम लोगों में फंडिक के साथ ही इस पार्ट को कार्पस भी कहा जाता है और ये hmm. हुआ। तो हम लोगों में ह्यूमन में, में कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक में बटा हुआ ह्यूमन के केस में हम चार पार्ट बोल देते हैं कार्डियक फंडिक कार्पस और पाइलोरिक पाइलोरिक पार्ट के पास भी एंड पर इंस्पेक्टर होगा के पैसेज को रोकने के लिए तो पाइलोरिक इंस्पेंटर लेकिन यही कैरेक्टर जरा दूसरे मैमल में देखना जो जुगाली करने वाले हैं जैसे काउ गोट, बफेलो जरा इनका स्टमक देखो ईसोफेगस ईसोफेगस के साथ एक लार्ज लाइक स्ट्रक्चर रूमेन बिल्कुल अलग तरह का स्टमक उसके साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा चैम्बर रेटिकुलम उसके साथ जुड़ा हुआ ओमैसम ये ओमैसम और मेन पार्ट एबोमैसम तो ये बिल्कुल अलग तरह से चार चैम्बर क्योंकि इनका रोल अलग है ये क्या करते हैं फूड मटेरियल को र्यूमेन में स्टोर करते हैं र्यूमेन और रेटिकुलम में बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्लोज का डाइजेशन करते हैं उसके बाद यहाँ ट्राइटेशन होता है फिर एबोमैसम में जाके गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है तो ये भी मैमल है ये कहलाते हैं जुगाली करने वाले तो उनका स्टमक थोड़ा अलग बाकी ह्यूमन में रेबिट में अलग लेकिन हमें कंपेरिजन देना है बाकी ग्रुप से तो बर्ड का स्टमक थोड़ा सा अलग होता है जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे उसमें और गिजर्ड दो पार्ट होते हैं लेकिन रेप्टाइल में दो पार्ट अलग कार्डियक और पाइलोरिक और एम्फीबिया में भी कार्डियक और पाइलोरिक इसका मतलब है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि फंडिक पार्ट इज द पार्ट फाउंड वनली इन द मैमिलियन स्टमक जनरली मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में कार्डियक फंडिक और पाइलोरिक होगा रेप्टाइल्स में केवल कार्डियक होगा और पाइलोरिक होगा एम्फीबिया में भी केवल कार्डियक और पाइलोरिक पार्ट होगा और बर्ड्स में प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस यानी कि गिजर्ड ये दो पार्ट होंगे

के हार्ड पार्ट को क्रश करते हैं और इस तरह से आप यह कह सकते हो कि बर्ड्स में जो टीथ नहीं है उसकी कमी को यह गीजड़ पूरा करता है ठीक है लेकिन यह कैरेक्टर केवल बर्ड में आएगा बाकी ग्रुप में जब स्टमक कंपेरिजन करोगे तो कार्डियक पायलोरिक कार्डियक पायलोरिक एम्फीबिया रेप्टाइल में बर्ड में जाकर के कार्डियक पायलोरिक और फंडिक ये बेसिक स्ट्रक्चर देंगे उसके बाद चलते हैं अगले पार्ट पे दैट इज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तो जरा पहले मैमल के करेक्टर्स को देखो हम यही कंटिन्यू कर देते हैं पाइलोरिक स्टमक इस, इस स्पिंग के जरिए आगे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डिओडिनम होता है जो यू स्ट्रक्चर बनाता है इसी डिओडिनम के ऊपर लीवर मिलेगा जिससे बाइल डक्ट निकल करके डिओडिनम में खुलेगी और डियोडिनम के दोनों लिम्ब के बीच में पैंक्रियाज होगा इस पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक डक्ट निकल करके लीवर में खुलती है कुछ में दोनों सेपरेट खुलती हैं कुछ में अलग अलग खुलती हैं जिसकी चर्चा आगे के कंपेरिजन में करेंगे तो डियोडिनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डियोडिनम के बाद दूसरा पार्ट बीच का पार्ट काफ़ी लंबा होता है लगभग ढाई मीटर लंबा होता है ये जेजुनम कहलाता है टिब्यूल्स होती हैं पतली और जेजुनम आगे जा करके फिर तीसरे पार्ट में खुलता है दैट इज इलियम इलियम आगे फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा तो ये जेजुनम और ये इलियम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से हैं जो मैमल में ही मिलेंगे जेजुनम वो पार्ट है जो रेप्टाइल्स में नहीं होगा और एम्फीबिया में नहीं होगा डे पच्चीस सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर मिडिल पार्ट जेजुनम और लोअर पार्ट इलियम इसी के आगे या इसका कंपेरिजन हम लोग एम्फीबिया रेप्टाइल और बर्ड में करेंगे अगले लेक्चर में कि किस तरह से ये डिफरेंसेस बाकी ग्रुप में हैं ठीक है इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं अगले लेक्चर में ये कंटिन्यू करेंगे थैंक यू बच्चों